पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी जुटी है। कल लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन होगा। साथ ही संगठन विस्तार, बूथ गठन, सेक्टर गठन के साथ ही काडर कैंप की तैयारियों पर चर्चा होगी। इस बैठक में पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, एमएलए उमाशंकर सिंह और एमएलसी भीमराव अंबेडकर मौजूद होंगे। इनके अलावा बीएसपी के पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी, मुख्य जोन इंचार्ज और जिलाध्यक्षों के साथ बामसेफ के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बसपा अध्यक्ष लगातार मंडलवार संगठन विस्तार के बारे में फीडबैक ले रही। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में एक विवादित बयान दिया है। अजीज कुरैशी ने कहा, कांग्रेस के लोग आज हिंदुत्व और यात्राओं की बात करते हैं, जय गंगा मैया जय नर्मदा मैया कहते हैं, यह डूब मरने वाली बात है। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहना बैठेगा, जगन पार्टी में इसको करेगा, एक झूठ बोलने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं घर से कहो मैं हिंदू बोलते हैं, हमारे किसी जी के दफ्तर में मूर्तियां बैठाते हैं, दो बनने की बात है, दो भगवान दो बनने की बात है। और ये हिंदुस्तान में जबान बर्दाश्त नहीं करेगा, यहाँ भूख, बेरोजगारी, बीमारी, फकाग्रस्ती, भैंट कशी, असली लड़ाई उसकी लड़ाई। और अयोध्या में सावन झूलनोत्सव का आयोजन हो रहा है। राम जन्म परिसर में विराजमान भगवान रामलला के अस्थायी मंदिर में ये झूलन उत्सव हो रहा है। रामलला का अस्थायी मंदिर फूलों से सजाया गया है। रामलला के भजनों से पूरा परिसर गूंज रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया है एक वीडियो, जिसमें मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास रामलला को झूला झुलाते नजर आ रहे हैं। रामलला चांदी के हिंडोले पर विराजमान है। चांदी के हिंडोले पर झूलते हुए रामलला को रिझाने के लिए झूला गीत गाया जा रहा है। झूले में मुस्काए रे चंदा जैसे लाड़ ले हो, होले होले झूले नियारे। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाएगा। रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश।